नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए विदिशा जिले की और विदिशा की राजनीति की। विदिशा जिले की राजनीति को देखा जाए तो विदिशा में विधानसभा सीटें भी हैं और विदिशा एक खुद विधानसभा सीट है। विदिशा एक जिला बड़ा ही चर्चित रहता है क्योंकि सुषमा स्वराज का बड़ा नाम था, विदेश मंत्री रहीं, यहाँ से सांसद भी रहीं। शिवराज सिंह का भी कार्य क्षेत्र माना जाता है, यहाँ से वो सांसद रहे। अब देखना होगा 2023 में भारतीय जनता पार्टी विदिशा से किसे टिकट देती है, किसे उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, प्रभावशाली भी है, क्षेत्र में पकड़ भी है। नीरज कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंडी डायरेक्टर हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं और भाजपा पार्टी में काम भी कर रहे हैं। इनसे भी चर्चा करेंगे हम और टिकट को लेकर, चुनाव को लेकर। 2023 का आप चुनाव कैसे देखते हैं? आपने 18 का देखा तो यहाँ पर कांग्रेस जीत गई, भाजपा का कहीं ना कहीं प्रत्याशी कमजोर रहा, रणनीति नहीं बना पाए। नहीं देखो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, दोनों अपनी अपनी तरीके से रणनीति बनाती हैं। अब वो रणनीति कहाँ चूक हुई ये तो एक पार्टी का विषय है। नहीं, हम लोग तो जब से लोकतंत्र के बना हुआ है तब से ही बीजेपी विदिशा की सीट पर जीतती आई है, मगर दुर्भाग्यवश हम डिफीट खाए। ये नेतृत्व की क्षमता की कमी के कारण ही हुआ। आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी बड़ी सीट थी विदिशा जिला, बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं पर सवाल भी उठते हैं, बड़े नेताओं को जवाब भी देने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बड़े नेताओं का जवाब तलब तो होता है, मगर इस विषय को मैं ज़्यादा छूना नहीं चाहता, ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है। आप कैसे देखते हैं अपने आप को? आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आपका भी नाम है कहीं पार्टी की ओर से, बीजेपी पार्टी की। अब ये तो जनता का विषय है, मैं तो जाता हूँ, जनता से मिलता हूँ, जनता का सेवक हूँ, मंडी डायरेक्टर रहा, मंडी में मैंने किसानों के हित में जो कार्य किए संभव रहा मेरे को, किसानों में जो समस्या थी मैं पहला जो डायरेक्टर रहा हूँ विदिशा का, जो मैं सतत मंडी में ना पहुँचता था, जब भी फ़ोन लगाते थे तो मंडी में तुरंत पहुँचता था, कोई भी समस्या आती थी किसानों की। 5 साल तक वैसे कार्यकाल मेरा 8 साल रहा, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन चुके थे उसके बाद मंडी के चुनाव होना थे मगर नहीं हुए, और आज 10 या 11 साल हो चुके हैं, मगर ये चुनाव होना चाहिए मंडी के, और मंडी में भी जो अव्यवस्थाएँ होती हैं वो अब ऐसी ना हो, मैं चाहता हूँ कि मंडी के चुनाव भी आने वाले कल में हों। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तमाम नेता तैयारी भी कर रहे हैं, तमाम नेता भागा दौड़ी कर रहे हैं, विदिशा विधानसभा चुनाव आप कैसे देखते हैं 2023? देखो, विदिशा विधानसभा एक शायद मैं 230 विधानसभाओं की बात करूं तो 230 विधानसभाओं के बाद विदिशा एक प्रतिष्ठित सीट रही है। इसमें अटल बिहारी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, सुषमा जी जो राष्ट्रीय नेतृत्व थी, विदेश मंत्री बनी, 2 बार सांसद बनी, आज विदिशा का दुर्भाग्य कहोगे जो हमारे पास सीट नहीं है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि दोबारा से लौट के आ जाए सीट। हमने जब जनता से चर्चा की, लोगों के बीच गए, लोगों ने कहा कि पार्टी नहीं चुनाव हारी, यहाँ पर प्रत्याशी चुनाव हारा, प्रत्याशी की बहुत सारी ऐसी कमी रही या जनसंपर्क नहीं रहा। मैं प्रत्याशी को भी दोष नहीं देना चाहता, प्रत्याशी बहुत अच्छा था, क्योंकि पार्टी जब है ना अपना मंथन करके प्रत्याशी घोषित करती है, अभी तक का रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रत्याशी दिया है वो एक सोच समझ के अपनी रणनीति के तहत दिया है। अब कई दुर्भाग्यवश कार्यकर्ताओं की कमी रही है, जो मतदाताओं को रुझान करने में रुझाने में थोड़ा सा दिलचस्पी नहीं ले पाई, अगर थोड़ा सा और ताकत लगाती तो हमारे जो मान लो ज़िले के जो नेतृत्व है और जिनको हम मान लो नेता मानते हैं मुकेश भाई, वो जीत सकते थे चुनाव। अब 2023 में पार्टी की ओर से ऐसी जानकारी लग रही है गुजरात पैटर्न पे चुनाव होगा, नए नेताओं को टिकट मिलेगी, बहुत सारे विधायकों के, बहुत सारे मंत्रियों को टिकट भी कटेगी, कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसमें सर तो इसमें का मैं ना बोलूं तो ही बेहतर है। इस बार एक नए प्रत्याशी की मांग विधानसभा में देखा जाए, कैसे देखते हैं? नए प्रत्याशी को मिलना चाहिए मौका? नहीं, मौका तो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो पार्षद से लेके छोटे चुनाव से लेकर बड़ा चुनाव भी लड़ता है तो वो एक नेता बनने की उसमें रहता है, लाइन में, वो भी समझता है कि मैं भी नेता बनूं, मैं भी विधानसभा जाऊं,
188 के अंदर जो आर्टिकल 188 है उसके अंदर विधानसभा की शपथ लूँ, तो सभी की उम्मीद रहती है कि मैं 188 के अंदर का शपथ लूँ। 2023 में भारतीय जनता पार्टी नीरज कुशवाहा को विदिशा विधानसभा से टिकट देती है तो क्या स्थिति बनेगी? अब ये तो जनता का विषय है, जनता की सोच है। अगर मुझे टिकट देती, सौभाग्य से टिकट मुझे मिलता है, तो ये निश्चित है कि मैं जीतना एक स्वाभाविक है कि मैं जीतूंगा। क्या संदेश देना चाहते हैं विधानसभा क्षेत्रवासियों को? अगर मुझे टिकट मिलता है तो संदेश ये है कि मैं कर्तव्यनिष्ठ, जिस तरीके से मैंने मंडी 5 साल सेवा की, उसी तरीके से मैं विधायक बन के जनता की सेवा करूंगा। यही मेरी सोच है, यही मेरी, और संविधान के प्रति सजग और जागरूक रहते हुए संविधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे काम करूंगा। तमाम वो मुद्दे थे और तमाम विधानसभा के जो मुद्दे हैं, विदिशा विधानसभा राजनीति में एक चर्चित विधानसभा सीट है। देखना होगा 2023 में भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है बड़ा बीजेपी के लिए झटका भी है, और जो लगातार ये सीट जीतती आ रही थी, यहाँ पर जब कांग्रेस ने सीट जीती तो कहीं ना कहीं बीजेपी की राष्ट्रीय लेवल पर छवि भी खराब हुई है। अब देखना होगा 2023 में पार्टी को अगर सीट जीतनी होगी तो किसे टिकट देती है, क्या स्थिति बनती है 2023 की, हम पूरी आपको जानकारी दिखाएंगे। जुड़े हमारे साथ राजधानी समाचार न्यूज़ कैमरा की रिपोर्ट, विदिशा जिला, विदिशा विधानसभा सीट।